टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क मे बी स्मॉल और बिग डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस लिंक्ड टुगेदर। ओके, दस नेटवर्क्स वेरी इन साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ज्योग्राफिकल स्प्रेड। अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी ऑन अ टेबल, इन अ रूम, बिल्डिंग, सिटी, कंट्री, अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स और अराउंड द वर्ल्ड। On the basis of geographical spread, network may be classified as PAN, LAN, MAN, WAN. Okay? तो हमारे पास जो टाइप्स हैं नेटवर्क के वो क्या क्या हैं? PAN है, LAN है, MAN है, WAN है। सबसे पहला जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। PAN आर स्मॉल नेटवर्क यूज टू establish कम्युनिकेशन बिटवीन अ computers एंड अदर handheld devices in the proximity of up to 10 meters using wired USB connectivity or wireless system like Bluetooth or infrared. ठीक है, तो भाई बहुत छोटे एरिया में, जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि बहुत छोटे एरिया पे जो आप हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं उसको हम पैन कहते हैं। जैसे हम ब्लूटूथ से जो है इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ठीक है, स्मॉल एरिया में हम वाईफाई से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है, और हमारा जो यूएसबी केबल से हम जो है डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो हम स्मॉल डिस्टेंस में जो भी तरीके इस्तेमाल करते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो सब किसके अंदर आते हैं? पैन के अंदर आते हैं। ठीक है, पैन में इंक्लूड वायरलेस कंप्यूटर कीबोर्ड एंड माउस, ब्लूटूथ इनेबल्ड हेडफोन्स, वायरलेस प्रिंटर एंड टीवी रिमोट्स। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये किसके अंदर आती हैं? आपके पैन के अंदर आती हैं। तो बहुत छोटा एरिया जो हम क्रिएट होता है इसके अंदर पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसीलिए बोलते हैं कि बहुत छोटी रेंज में जो है जब हम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं और डाटा को शेयर करते हैं तो वो जो नेटवर्क है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है? आपका पैन के अंदर आता है। ठीक है, द नेटवर्क दैट बिलोंग टू अ सिंगल पर्सन और अ यूज़र इज़ नोन एज पैन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। लैन इज़ अ प्राइवेटली ओन्ड कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, स्मॉल फिजिकल एरिया लाइक अ होम, ऑफिस और अ बिल्डिंग सच एज अ स्कूल। ठीक है, नेटवर्क विद इन अ रूम, विद इन अ बिल्डिंग और विद इन अ कैंपस, ठीक है, उसको कहते हैं लैन। वो जो नेटवर्क है आपका वो किस कैटेगरी के अंदर आता है? लैन के अंदर आता है। इसमें दोनों ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप, वायर्ड मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं और वायरलेस मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपके केबल्स होगी, कोक्सियल केबल, अनट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक है, वायरलेस में आपके जो है रेडियो वेव्स हो गए, इंफ्रारेड हो गए आपके। ठीक है, द की पर्पस ऑफ अ लैन टू शेयर रिसोर्सेज, लैन यूज़र कैन शेयर डाटा, प्रोग्राम्स, प्रिंटर्स, डिस्क, मॉडेम। ठीक है, तो होता क्या है, पर्पज़ क्या है, किसी भी जो नेट, जो कोई भी नेटवर्क है उसका पर्पज़ क्या है? इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, रिसोर्सेज को शेयर करना। ठीक है, तो लैन को भी हम अपना यूज़ के लिए जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फिगर में हम देख सकते हैं लैन इन योर ऑफिस, लैन इन ऑफ होम, लैन इन बिल्डिंग, ओके, लैन इन कैंपस, तो ये सब लैन की कैटेगरी है। ओके, अगला है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका जो एरिया होता है एक सिटी होता है। मैन इज़ अ लार्जर दैन लैन एंड कवर अ सिटी एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। मैन यूजुअली इंटरकनेक्ट्स अ नंबर ऑफ लैंस एंड इंडिविजुअल कंप्यूटर्स। ठीक है, तो नेटवर्क विद इन अ सिटी इज कॉल्ड अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, जैसे समझ लो कि 50 किलोमीटर की रेंज में हमारा जो सिटी है लगभग फैला हुआ है, तो वो किसके अंडर आएगा? आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है आपका जैसे केबल नेटवर्क है आपका पूरे सिटी में फैला रहता है, तो दैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और दूसरा क्या है कि कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है और जिसके क्या है पूरे शहर में जो है ऑफिस हैं जगह जगह पर, तो उसने अपने ऑफिस को कनेक्ट कर रखा है, जितने भी सारे ऑफिस हैं सिटी में उन सबको आपस में कनेक्ट कर रखा है ताकि वो अपने डाटा या इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें। अब कनेक्ट करने के लिए वो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, गाइडेड मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं, अनगाइडेड मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो चाहें तो अपने जो है अपना नेटवर्क बिछा सकते हैं,
अपनी लाइंस बिछा सकते हैं, ठीक है, या फिर वो वायरलेस मीडियम यूज़ कर रहे हैं हम अपने जितने भी जो ऑफिस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उन पे जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन इन अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, वैन इज़ अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क स्प्रेड ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया अक्रॉस कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स, वैन आर जनरली यूज टू इंटरकनेक्ट सेवरल अदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क सच एज लैंस मैंस, ठीक है। तो जो समझ लो कि इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपका इंटरनेट है, ठीक है। तो नेटवर्क, इंटरनेट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट, ठीक है। तो सो मैनी लैंस, सो मैनी वैंस, सो मैनी लैंस, सो मैनी मैंस वैन कनेक्टेड विद ईच अदर दे क्रिएट अ बिग नेटवर्क, ठीक है, और दैट कम्स अंडर वैन, ठीक है। तो पूरी दुनिया में जो नेटवर्क फैला हुआ है, जो पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड जो कनेक्टेड है, वो किसके अंडर आता है, उस कैटेगरी के अंदर आता है, उसको हम वैन कैटेगरी के अंदर रखते हैं, ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड को जो है कवर करता है। अ वैन कैन कवर एन एरिया विद रेडियस स्पैनिंग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, नेटवर्क ऑफ ATMs, बैंक्स, गवर्नमेंट ऑफिस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसेस, ETC स्प्रेड ओवर अ कंट्री कॉन्टिनेंट और कवरिंग मैनी कॉन्टिनेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ वैन, ठीक है। तो वैन में क्या हो सकता है, आपका सेटेलाइट यूज़ हो सकते हैं, आपके टेलीफोन लाइंस यूज़ हो सकती हैं, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ हो सकते हैं, आपके रेडियो वेव्स यूज़ हो सकती हैं, माइक्रोवेव्स यूज़ हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये इसका एक फिगर है, ठीक है, इसका एक डायग्राम है, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो कि हमारे घरों में होता है जनरली, फिर उसके थ्रू ये बहुत सारे जो लैन है, बहुत सारे मैन हैं, बहुत सारे पैन हैं, आपस में कनेक्ट करके एक बड़ा पिक्चर को क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वैन, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल समराइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैन्स, लैंस, मैंस एंड वैन्स, एरिया कवर्ड अप टू 10 meters, तो लैन में क्या है अप टू 10 kilometers, और मैन में 100 kilometers का रेडियस, सिटी अप टू 100 kilometers का रेडियस इसको कवर करता है, इंटायर कंट्री कॉन्टिनेंट और ग्लोब, ठीक है। नेटवर्किंग कॉस्ट क्या है, नेग्लिजिबल, पैन में तो कोई सेटअप करने में हमें कोई खर्चा आता नहीं है, अपना ब्लूटूथ ऑन करो या वाईफाई ऑन करो और आप डाटा को शेयर कर सकते हो। इन एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मैन वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, क्योंकि हमें इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का सेटअप करना पड़ेगा। मैन को भी अगर हमें सेटअप करना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी लगेंगी, ठीक है। ट्रांसमिशन स्पीड, हाई स्पीड, हाई स्पीड, मॉडरेट, लो स्पीड, ठीक है, अब वो वैरी करता है क्योंकि भाई पूरा वर्ल्ड कवर कर रहा है, कहीं पे कौन सा मीडियम यूज़ हो रखा है, कहीं पे वे गाइडेड मीडिया है, कहीं पे अनगाइडेड मीडिया है, तो उससे स्पीड में फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। एरर रेट, लोएस्ट, लोएस्ट, मॉडरेट, हाईएस्ट, ठीक है। नेटवर्क डिवाइस यूज WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये WLAN जो है, USB डोंगल, LAN W वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, हाफ स्विच रिपीटर मॉडम, ठीक है, ये सब डिवाइसेस यूज़ होता है LAN में, राउटर गेटवे मैन में, राउटर गेटवे वैन में। टेक्नोलॉजी इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, इथरनेट, वाईफाई, ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव सेटेलाइट, ठीक है। LAN एंड WAN आर टू प्राइमरी द बेस्ट कैटेगरीज ऑफ एरिया नेटवर्क, द अदर हैव इमर्ज्ड विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें डिफरेंस दे रखा है। कंपेयरिंग LAN एंड WAN, वी हैव सीन कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी क्लासीफाइड इंटू लैन, मैन एंड वैन कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योग्राफिकल डोमेन, ओके। द बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन आर द डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स इन लैन कनेक्शन आर इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक रेंज, ये हम समझ गए हैं, लैन इज लिमिटेड टू अ सर्टेन एरिया, द अपर लिमिट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 kilometers,
and the lower limit is 1 meter. On the other hand, vans are spread across thousands of kilometers in different countries or region. ठीक है, वैन क्या है? वर्ल्ड वाइड है. लैंस ऑपरेट बिटवीन 1 megabits पर सेकेंड एंड 10 megabits वाइल वैन ऑपरेट्स एट स्पीड ऑफ लेस देन 1 megabits टू अचीव स्पीड ऑफ सेवरल 100 megabits इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ द ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी. इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ द ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी. ओके, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आगे. मीडिया को, कम्युनिकेशन मीडिया को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी जो है वायर्स होती हैं और वेव्स होती हैं. ठीक है, तो सब में से जो सबसे ज़्यादा जो स्पीड हमें मिलती है डाटा ट्रांसफ़र की, वो जो होती है वो हमें ऑप्टिकल फाइबर में मिलती है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल है वो ट्रैवल करता है लाइट की फॉर्म में. तो हमें मालूम है कि अभी तक जो वर्ल्ड है या जिसे हम जानते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा स्पीड है वो किसकी मानी जाती है? लाइट की मानी जाती है. उससे ज़्यादा स्पीड अभी तक किसी की हमने डिस्कवर नहीं की है. हो सकता है होती भी हो किसी और चीज़ की, पर अभी तक हमने डिस्कवर नहीं की है. तो हम ये मानते हैं कि अभी तक जो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है ट्रैवल करने की, वो किसकी होती है? लाइट की होती है. ठीक है, द एरर रेट इन लैन इज लोअर देन वैन बिकॉज ऑफ द शॉर्टर डिस्टेंस इन्वॉल्वड इन लैन. द एरर रेट इन लैन इज अप्रॉक्सीमेटली 1000 times दैट लैन इन वैन, दैट लेस देन दैट इन वैन्स. ठीक है, लैन को मैनेज करना ईजी है, क्योंकि भाई छोटे एरिया में आपको चीज़ों को मैनेज करना है, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हो. कोई फॉल्ट आता है तो उसको इजीली डिस्कवर भी कर सकते हो. लेकिन अगर वैन है तो उसको डिस्कवर करना, उसको मैनेज करना बहुत ट्रिकी काम है. मतलब ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसको सेटअप करने के लिए चाहिए. ठीक, तो इसलिए जो है एरर रेट जो है वैन में थोड़ा ज़्यादा रहेगा आपका. एज लैंस आर लिमिटेड बाई डिस्टेंस एंड इंटायर लैन इज यूजली अंडर कंट्रोल ऑफ सिंगल एंटिटी सच एज एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑन द अदर हैंड वैन्स आर यूजली ऑपरेटेड एंड कंट्रोल बाई मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन. दस वी कैन से दैट इन कंपेरिजन टू वैन एंड लैन ओवर लिमिटेड एरिया, बट दे ऑपरेट विद हाई स्पीड एंड लो एरर रेट्स. ठीक है, तो लैन का क्या कि लैन कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डिज़ाइन किया है, कोई पर्सन डिज़ाइन कर सकता है. लेकिन वैन क्या है? वैन को आप पर्सनली नहीं कह सकते, क्योंकि वैन जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मैंस एंड लैंस. बहुत सारे लैन जब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे जो मैन आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो एक बड़े नेटवर्क को डिज़ाइन कर रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड वैन. ओके,